और चलिए अब बजट पर चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय लाल का रुख करते हैं, रेलवे स्टेशन में है अजय। अजय, झारखंड को कुछ खास मिला नहीं, उम्मीदें बहुत थी, रेलवे में भी उम्मीदें थी कि रेलवे में और झारखंड को भी बेहतर मिल सकता है, यहां से और नई ट्रेनें मिल सकती थी, लेकिन ऐसी कुछ घोषणा नजर नहीं आई है। हालांकि अभी एनालिसिस हो ही रहे हैं, फिलहाल वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिली इस बजट के बाद? देखिए आसिया, जो आज वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है, आपने सही कहा कि झारखंड में ट्रेनें नई नहीं मिली हैं, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से कई ऐसी ट्रेनें जो नियमित तौर पर चलती थी उसका भी फेरा अभी तक शुरू नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकती कि रेलवे को वित्त मंत्री ने कुछ नहीं दिया। मेरे पास जो आंकड़ा आया है कि रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये का आवंटन इस वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया है। साथ ही DDFC के पूर्वी सेक्टर को इस साल के अंत तक पूरा करने की महत्वाकांक्षी योजना है। कई बार इसे अनकम्प्लीट रहा है, इसे पूरा करने की बात हुई है। और जो सबसे अहम है कि 2030 से नई रेल योजना प्रारंभ करने की बात की गई है। उसके बाद दो तरह की मेट्रो सेवा, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की शुरुआत होगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार ले जा रही है। उसके बाद से कुछ शहरों में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने की बात की गई है, हालांकि रांची उसमें शामिल नहीं है, झारखंड शामिल नहीं है। बिजली से चलने वाली जो ट्रेन है उसके विस्तार की बात कही गई है। जाहिर सी बात है कई ऐसी ट्रेनें होंगी जिसका रूट झारखंड से होकर गुजरेगा, नई ट्रेनें रांची के लिए या फिर रांची से गुजरने के लिए इनकी कोई घोषणा बेशक नहीं की गई है। लेकिन एक जो और चीज है कि रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट को और बढ़ाया जाएगा। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आज रेलवे के लिए घोषणाएं की गई है, इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड के कई ऐसे जिले हैं, खासकर चार ऐसे जिले हैं जहां पर अब तक ट्रेन की शुरुआत नहीं हुई है। कुछ दिन पहले ही सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर राम से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि चार जिले हैं जहां पर की ट्रेन की अभी तक लाइन तक नहीं बिछी है। ये तमाम चीजें हैं, उम्मीदें काफी थी, लेकिन जैसा कि सरकार कह रही है कि किसी खास व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखकर बल्कि देश को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेलवे के लिए जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो घोषणा की है उसके दूरगामी असर दिखाई पड़ेंगे। हालांकि झारखंड की बात है, कई ट्रेनों की बात हो रही थी लेकिन वो नहीं मिला, थोड़ा दुख है। लेकिन एक बार फिर से कह सकते हैं कि ओवरऑल देखेंगे तो रेलवे को ऐसा नहीं कर एक बड़ा स्रोत है केंद्र के लिए, और यहाँ पर अगर इस तरह नजरअंदाज किया जाता है, रेलवे को लेकर हमेशा से शिकायतें रही हैं कि झारखंड में उतनी ट्रेनें नहीं दी जाती, खासकर राजधानी रांची से यहाँ के लोग भी काफी परेशान होते हैं, यात्री उतनी ट्रेनें यहाँ नहीं हैं, उन्हें दूसरे जगह से जाकर ट्रेनें लेनी पड़ती हैं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों को हमेशा से रही और हमेशा से मांग भी रही है। सहयोगी अरुण के पास चलते हैं, धन्यवाद अरुण। रेलवे ने झारखंड को बजट में, झारखंड में बहुत कुछ रेलवे के लिए नहीं है, वहां पर व्यापारी वर्ग भी हैं और हमेशा से व्यापारियों की भी मांग रही है कि रेलवे के फेरे बढ़ाए जाएं, नई ट्रेनें दी जाएं, लेकिन इस बार भी झारखंड को निराशा ही हाथ लगी है, इस पर क्या रिएक्शन है वहां? निश्चित रूप से इस बार झारखंड को तो उपेक्षित किया गया है इस केंद्रीय बजट में। फिर से एक बार जुड़ेंगे प्रमोद जी। देखिए रेलवे के मामले में सिर्फ फ्रंटियर कॉरिडोर एक पास करेगी धनबाद से, बाकी वह झारखंड को और कुछ नहीं दिया गया, क्या इस पे क्या मानना और क्या मांग रहे थे एकदम संक्षिप्त में? देखिए इस मामले में ये कहना चाहूँगा, चाहे मामला राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, धनबाद की जनता ने हमेशा मोदी पर ही वोट दिया है, मोदी को ही वोट दिया है, मोदी के लिए ही वोट दिया है, इसलिए हमारी अपेक्षाएँ जो है मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। धनबाद को लेकर केंद्र की कोई सौगात हमें कभी नहीं मिल पाई है, इसके लिए कारण कौन है, कारक कौन है, ये मैं जान सकता हूँ। धनबाद के लिए विशेष